सुनो वाल्या, एक ऐसी अदाकारा जिसकी बढ़िया हाइट ही उसके लिए मुसीबत बन गई, मिस इंडिया का टाइटल जीतकर रातों रात सनसनी बनी। सुनो वाल्या, एक वक्त बाद खुद इस तरह से गायब हुई कि लोगों ने भी उन्हें बुलाना बेहतर समझा। दिल्ली की गलियों से निकलकर एक वक्त पर दुनिया भर में छा जाने वाली सोनू वाल्या अब कहाँ है और क्या करती है, ये जानने की कोशिश उनके फैंस जरूर करते होंगे। 19 फरवरी 1964 को दिल्ली के एक पंजाबी सिख परिवार में पैदा हुई थी। सोनू के पिता का नाम सचेंद्र सिंह वालिया है और वो एक आर्मी में सेवाएं दे चुके हैं। सोनू की माँ दमनजीत कौर एक हाउसवाइफ है। सोनू की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम मोनू वालिया है। यह आपको बताना भी जरूरी है कि सोनू वालिया का असली और पूरा नाम संचित कौर वालिया है, जबकि इंटरनेट पर कई जगह पर बताया जाता है कि सोनू वालिया का असली नाम सोनिया वालिया है। सोनू का बचपन दिल्ली में गुजरा, उनकी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली से ही हुई थी। सोनू ने जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया था, साथ ही साइकोलॉजी में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। एक इंटरव्यू में सोनू ने बताया था कि जब वो 16 साल की थी तो उनके पिता ने इनसे साफ कह दिया था कि वो केवल 18 साल की उम्र तक ही इनकी जिम्मेदारी उठाएंगे, उसके बाद इन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, इसके लिए जितना जल्द से जल्द वो खुद को इंडिपेंडेंट कर ले उतना ही बढ़िया है। क्योंकि सोनू दिखने में बहुत खूबसूरत और अच्छी हाइट की थी तो उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही मॉडलिंग भी करना शुरू कर दिया था। मॉडलिंग के दौरान सन 1985 में सोनू को मिस इंडिया का खिताब भी मिल गया। सोनू को मिस इंडिया का ताज पहनाया था यूवी चावला ने, जो कि सन 1984 में मिस इंडिया बनी थी। बाद में सोनू ने सन 1986 में मेहर जेसिका को मिस इंडिया का ताज पहनाया था। मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने के बाद इसी साल यानी 1985 में सोनू अमेरिका में हुई मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने भी गई थी, हालांकि वह सोनू को कामयाबी नहीं मिल सकी। मिस इंडिया जैसा ब्यूटी प्रेजेंट जीतने के बाद जैसा हर लड़की के साथ होता है, सोनू वाले के साथ भी वैसा ही हुआ। उनके पास मॉडलिंग और फिल्मों के ऑफर की लाइन लग गई। सोनू ने कई फिल्में साइन भी की। उनकी पहली फिल्म थी आरक्षण, जो सन 1988 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म डायरेक्टर की थी तनवीर अहमद ने और फिल्म में सोनू के हीरो थे फिरोज खान के छोटे भाई अकबर खान। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन सोनू वालिया का इस फिल्म से बड़ा फायदा हुआ। आरक्षण फिल्म में सोनू का राकेश रोशन की नजर पड़ी तो उन दिनों अपनी फिल्म खून भरी मांग के लिए एक नई और खूबसूरत लड़की की तलाश में थे। सोनू वालिया की शख्सियत राकेश रोशन को पसंद आई और उन्होंने सोनू को कबीर बेदी के अपोजिट नंदिनी के रोल के लिए साइन कर लिया। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो एक बड़ी हिट साबित हुई। सोनू वालिया का काम भी लोगों को बहुत पसंद आया। फिल्म प्लेयर ने सोनू वालिया को इस रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया। इसके बाद सोनू के पास फिल्मों के कई और भी ऑफर्स आए, इनमें से कईयों को सोनू ने स्वीकार भी किया। सोनू ने तूफान, हतिमताई, खेल, प्रतिकार, दिल आशना है और निश्चय जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि सोनू को फिल्मों में वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद सोनू को थी। सोनू कहती है कि जिस जमाने में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था वो जमाना फिल्म इंडस्ट्री में लंबे हीरो का आखिरी दौर था। उसके बाद शाहरुख, सलमान, आमिर और गोविंदा जैसे नए लड़के स्टार बने, लेकिन इन सबकी हाइट सोनू वालिया की हाइट से कम थी। सोनू वालिया की हाइट 5 फीट 8 इंच है। ज्यादा हाइट के चलते सोनू को फिल्मों में लीड रोल मिलने बंद हो गए, मजबूर सोनू को सपोर्टिंग रोल निभाने पड़े। फिल्मों में करियर को डूबता देख सोनू को टीवी की तरफ रुख किया और महाभारत, अर्धांगिनी और बेताल 25 जैसे टीवी शो में भी काम किया, मगर किस्मत ने भी टीवी पर सोनू का साथ नहीं दिया। करियर की डूबती नाव को सोनू ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पार लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन यहाँ से भी सोनू को निराशा ही हाथ लगी। हार कर सोनू वालिया ने खुद को एंटरटेनमेंट जगत से दूर करने का फैसला कर लिया। साल 1995 में सोनू वालिया ने सूर्य प्रताप सिंह नाम के एक एनआरआई से शादी कर ली। इनके पति का अमेरिका में होटल बिजनेस था। सोनू की शादीशुदा जिंदगी बढ़िया गुजर रही थी। शादी के बाद सोनू ने इक्का दुक्का फिल्मों में भी काम किया, लेकिन एक दिन अचानक उनके पति की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने जांच करने पर बताया कि उनकी किडनी खराब हो गई है। किडनी की बीमारी से जूझते हुए सोनू वालिया के पति सूर्य प्रताप सिंह ने साल 2009 में दुनिया को अलविदा कह दिया। पति की मौत के कुछ सालों बाद तक सोनू अमेरिका में रही। उसके बाद वे भारत अपनी बहन मोनू वालिया के पास लौट आई।
भारत लौटने के बाद सोनू वालिया ने बहन मोनू वालिया के पति के साथ मिलकर अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू कर दिया था। योग्या रॉक्स नाम से इन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि सोनू वालिया की एक बेटी भी है, लेकिन वास्तव में वो सोनू वालिया की बहन मोनू वालिया की बेटी है, जो दिखने में काफी हद तक सोनू वालिया जैसी दिखती है। सोनू वालिया इन दिनों मुंबई में रहती है और चाहती है कि उन्हें फिल्म या फिर किसी वेब सीरीज में कोई बढ़िया रोल मिल जाए। बायोग्राफी वेब चैनल ईश्वर से प्रार्थना करता है कि सोनू वालिया की ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी हो और एक बार फिर से उनके फैंस उन्हें किसी दमदार किरदार को निभा